सो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूँ ओप्पो A16K के बारे में। इसमें आपको बताऊंगा कि आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को कैसे ऑन करेंगे। जी दोस्तों, अगर चाहते कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना एंड इसको यूज करना, तो आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा, चलिए इस वीडियो में बता दूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसको करने के लिए हमें अपने मोबाइल के डायल पैड में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल के डायल पैड में। सो गाइज, मैं आ गया अपने मोबाइल के डायल पैड में। डायल पैड में आएंगे तो आपको यहाँ पर टू डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है, आपके मोबाइल में भी यहाँ पर भी शो करेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो इंटरफेस खुल के आएंगे। पहले दिया है ब्लॉक एंड फिल्टर दिया है, इसके नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है। तो हमें सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा डायल सेटिंग्स मिलेगा, इसके बाद इनकमिंग कॉल्स मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा कॉल सेटिंग्स। तो हमें कॉल सेटिंग्स के नीचे ही मिल जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिल चुका था, हमें इस पर ही क्लिक कर देना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले दिया है रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर्स। इसमें कहने का मतलब होता है कि इसमें उसी को नंबर को सिर्फ रिकॉर्ड करेगा जो आप यहाँ से प्लस के आइकन पर जाकर आप जिस नंबर को आप चुने रहेंगे, यानी कि जिस पर आप सेलेक्ट किए रहेंगे, सिर्फ उसी नंबर को एक रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको करने वाला नहीं हूँ इसको ऐड, तो मैं यहाँ इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं इसको बैक आ जाता हूँ। बैक करने के बाद इसके नीचे मिलता है रिकॉर्ड और नाउन नंबर्स। इसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल में जब भी कोई न्यू नंबर से आएगा, यानी कि वो नंबर आपके कॉन्टैक्ट में ना से, वो अगर आपके मोबाइल में कॉल आता है तो अगर आप इसको ऑन किए रहेंगे तो इस कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो आपको वहाँ पर टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको फिलहाल ऑन करे, तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। फिर इसके नीचे आते हैं रिकॉर्ड ऑल कॉल्स। अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो इसके कारण मतलब आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स रहेंगे, चाहे कॉन्टैक्ट में सेव हो या न्यू नंबर्स हो, तो उन सभी कॉल्स को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो इसको अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, तो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ। फिर इसके नीचे मिलते हैं मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स का एक ऑप्शन। इसका मतलब होता है कि आप कुछ कितने लिमिट तक रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको जैसा भी लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1000 दिया है, 2000 दिया है, 3000 दिया है, नो लिमिट दिया है। तो मैं इसको फिलहाल नो लिमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। फिर इसके नीचे आते हैं यहाँ पर रिव्यू कॉल रिकॉर्डिंग्स। इसके कहने का मतलब क्या कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉल को रिकॉर्ड किए रहेंगे, ये यहाँ पर शो करता है। अगर आप भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ। तो अगर आप एकदम सिंपल तरीके से ऐसे ही किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।